तुमने उन्हें आत्महत्या की धमकी दी है, इसलिए वो तैयार हुए हैं। मैं सच में आत्महत्या कर लूंगी और ये कोई धमकी नहीं है। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती किसी और के साथ मंडप में बिठाने की कोशिश की तो मैं जहर खा लूंगी। ये बात सबको पता है कि मैं नीरव के 25 साल होने का इंतजार कर रही हूँ, इसलिए शहर पढ़ने गई ताकि घर वाले मुझ पर शादी का दबाव ना डाले। पर तुमने चुप करो चशु, किसी औरत का विधवा होना क्या होता है? जानती भी हो क्या हालत होती है, और इसमें मेरा क्या दोष था? देखो, तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे। तुम्हारा रिश्ता सूरज और छाया जैसा है। तुम कोमल डरपोक शीतल और नीरज सूरज जैसे तेज गर्म दिमाग। नहीं, वो गुस्सा करते हैं पर वो मुझसे प्यार भी करते हैं, और मैं भी अब तो वो ही मेरे पति है, और यही सच है। तुम्हें गलतफहमी है, नीरव मुझसे प्यार करता है तो तुम्हें खुद पीछे हट जाना चाहिए। मुझे नहीं, तुम्हें हटना होगा। तुम हम दोनों के बीच नहीं आ सकती। पहले पंकज जी को नियति ने मुझसे दूर किया, और अब तुम इसे ही नियति समझ लो। सुनो, तुम मेरी बात मानो। जो लड़का तुम्हें देखने आ रहा है बहुत अच्छा है। नीरज से शादी की तो तुम दूसरी पत्नी बनकर रह जाओगी। मैं सिर्फ नीरव से ही शादी करूंगी। हाँ, रही बात दूसरी पत्नी की, तो जब मुझे कोई समस्या नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रही है? वैसे भी ये हमारे गांव में पहले से रिवाज चला आ रहा है, कोई पहली बार नहीं होगा। ये सब तो तुम चिंता मत करो, ये पहले की बात थी। अब समय बदल चुका है, शादीशुदा को मजबूर नहीं किया जाता, पर तुम तो जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर रही हो। बोलो, क्या तुम नीरव के लिए ईमानदार हो? क्या तुम्हारे मन में पंकज भैया के लिए अब कोई जगह नहीं है? क्या नीरव तुम्हें पत्नी की तरह सारे हक देता है? चुप क्यों हो, बताओ ना, मान क्यों नहीं लेती? तुम्हारा और नीरव का रिश्ता जबरदस्ती का है, जो सिर्फ एक समझौता है। अब ऐसा नहीं है, हमने अपने रिश्ते को स्वीकार लिया है। वैसे भी तुम अभी पति पत्नी के रिश्ते को समझती नहीं हो, इस वजह से ऐसे बातें कर रही हो। पति पत्नी का रिश्ता जिम्मेदारियों से भी बंधा होता है। तुम समझो कि तुम नीरव के लिए एक जिम्मेदारी ही हो, जिसे वो निभा रहा है। तुम उसे प्रेम नहीं दे सकती। अब मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें अपना जवाब बता दिया है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। चशु ने इरादों से साफ जाहिर किया कि वो वृंदा की कोई बात नहीं सुनेगी। उसे तो बस नीरव को हासिल करना था। वृंदा जो उम्मीदें लेकर चशु के घर आई थी, उनके धाराशाही होने पर उतनी ही हताशा से वापस घर जाने लगी। वृंदा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो नीरव को घर आया देख वो बहुत घबरा गई। कहाँ गई थी तुम? चाची के घर मिठाई देने गई थी। मिठाई देने गई थी या चशु से तहकीकात करने गई थी?
नहीं तो मैं क्यों जाऊंगी चेसू से पूछने? वैसे भी मेरे पूछताछ से क्या हो जाएगा? जब आप खुद ही सब कर रहे हैं तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? तुमसे चैन से नहीं बैठा जाता ना? जिसका पति दूसरी शादी करने का सोच रहा हो वो कैसे चैन से बैठेगी? वृंदा की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो नीरव को देखकर जोर जोर से रोने लगी। ऐसा करो, ये तौलिया पकड़ो और मेरी पीठ पर जो मिट्टी और पसीना है वो साफ कर दो। कैसे निर्दयी इंसान है आप! मैं रो रही हूँ और चुप कराने के बजाय मुझे ये काम दे रहे हैं। हाँ, निर्दयी बेशक कह लो, पर ये तुम्हें चुप कराने का आसान तरीका है। काम में लगी रहोगी तो दिमाग फालतू नहीं चलेगा। और ये जो जासूसी का भूत सवार है ना, वो छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। शहर से तुम्हारी किताबें लाया हूँ, पढ़ाई शुरू कर दो। बिजी रहोगी तो फालतू बातों में दिमाग नहीं लगेगा। वृंदा के सब्र का बांध अब टूट चुका था। नीरव की बातें सुन वो खुद को संभाल नहीं पाई। हाँ, गई थी मैं चशु के पास, पर वो नहीं मानी, क्योंकि उसकी जिद को आप बढ़ावा दे रहे हैं। वृंदा, बात को समझो। जैसा तुम सोच रही हो बात उससे कहीं ज्यादा है। क्या ज्यादा? सच तो ये है कि जबरदस्ती से थोपे रिश्ते कभी सफल नहीं होते। ये क्या बोल रही हो तुम? कभी मेरे प्यार को गंदा कहती हो और अब ये? तो और क्या करूं? ये चशु से शादी की जिद मेरी जान ले लेगी। मैं आपको रोक नहीं रही इसलिए नहीं कि मुझे तकलीफ नहीं हो रही, बल्कि इसलिए कि मैंने खुद से वादा किया था कि आप आगे बढ़ोगे तो रोकूंगी नहीं। और हाँ, मेरे आंसुओं को मेरी कमजोरी मत समझना, ये मेरी ताकत है, क्योंकि इनके साथ मेरा दुख भी बह जाता है और मैं हर दुख से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हूँ। आगे की कहानी अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।